वेलकम टू इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स ग्रेड 4 वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 6 व्हिच इज अ पोएम नेम्ड डॉक्टर ब्लेयर लेक्चर नंबर 1 फॉर यूनिट नंबर 6 नाउ स्टूडेंट्स टास्क फॉर टुडेज लेसन आर रीडिंग ऑफ द लेसन मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स Now students, let's begin with the reading. Write down the index first before you are going to write on your notebook. Write serial number, date and topic. Subtopics are word meanings and question answers. Before we begin with the reading, make sure you have English student book, notebook and your stationery with you. Listen to the teacher attentively. Note down the points you don't understand and contact us on WhatsApp through voice note for any query. Now students, about the lesson. Your lesson is a poem. Students, do you know what a poem is? Why do we write a poem? And how do we write a poem? Okay students, a poem is a piece of writing in which the expression of feelings and ideas are given. The poet does this by carefully choosing and arranging the language for its meaning, sounds and rhythm. Some poems such as nursery rhymes are simples and humorous. Students, as you learned and did in your lower grades, your junior grades, you all know about poems. स्टूडेंट्स आप अपने जूनियर ग्रेड्स में पोइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं आपको पता है कि पोइम्स होती क्या हैं और पोइम्स कैसे लिखी जाती हैं पोइम्स एक पीस ऑफ राइटिंग को बोलते हैं जिसके अंदर वर्ड्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनका साउंड एक रिदमेटिक वे में आ रहा होता है इसके अलावा पोइम में हम मेटाफर्स का यूज़ करते हैं और सिमिलीज का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स व्हाट आर मेटाफर्स Students, you already know what are metaphors. Metaphor is a way of comparing one thing with another by saying that one thing is another thing. हम कहते हैं कि ये चीज़ वो चीज़ है मतलब कि उस चीज़ को किसी और चीज़ के कह के हम उसकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट कोई ना कोई खूबी बयान करते हैं जैसे कि his voice is the sweetest. अब इस बात को हमने एक मेटाफोरिक वे में कहना है तो हम कहेंगे हिज वॉइस इज़ अ मेलोडी या फिर अगर हमें बताना है कि अगर किसी पर्सन ने फ़र्ज करें आपकी हेल्प की है आपने कहना है कि वो बंदा बहुत अच्छा है अगर इस सेंटेंस को आप एक मेटाफोरिक वे में बोलेंगे तो आप ये कहेंगे ही इज़ एन एंजल स्टूडेंट्स कोई इंसान एक फरिश्ता तो नहीं हो सकता मगर हम क्या करते हैं उसकी उसे मुस्तार लेते हैं हम लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उसे किसी दूसरी चीज़ के बारे में बयान करते हैं अब ये लाइन सुन के दैट ही इज़ एन एंजल आपके दिमाग में आएगा कि वो बंदा बहुत ही काइंड है वो बंदा बहुत ही प्लीज्ड है बहुत काइंड हार्टेड है केयरफुल है और केयरिंग पर्सन है That's why we use metaphors. Students, जब हम लोगों को एक वर्ड में बताना हो एक किसी पर्सनैलिटी की या किसी नाउन की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स को तो हम उसे किसी ऐसी चीज़ के नाम से बुला देते हैं मतलब उसका नाम वैसे ले देते हैं जिसमें वो चीज़ें पाई जाती हैं जैसे He is smiling as sun. Students, इस सेंटेंस में smiling as sun का मतलब है कि वो इतना खिलखिला के हंस रहा है Now it's a metaphor. Students, we also use similes in the poem. Students, why we use similes? When we use to compare one thing to another, we use similes like he is as brave as lion. Now students, in this lesson, poem Dr. Blair, there is a doctor named Blair. Who always took blood from his patients as a part of treatment. As a result, people named a blood-loving vampire bat after the blood-loving doctor, called the bat Dr. Blair.
स्टूडेंट, इस पोएम में, ये एक मेटाफरिक पोएम है, इसमें होता क्या है, एक डॉक्टर है जिसका नाम है ब्लेयर। वो डॉक्टर ये करता है कि कोई भी पर्सन उसे उसके पास किसी भी बीमारी की इलाज के लिए आता है, किसी भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए आता है, वो क्या करता है उसके ट्रीटमेंट के दौरान ना, एज अ ट्रीटमेंट पे या एज अ ट्रीटमेंट पार्ट, वो उस बंदे से क्या ले लेता है, उसका ब्लड ले लेता है। और वो ऐसा हर बंदे के साथ करता है, जो बंदा भी उसके साथ, जो पेशेंट भी उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आता है, वो उस पेशेंट से उसका ब्लड ले लेता है, सारा नहीं थोड़ा सा ब्लड ले लेता है। अब लोगों ने ये चीज़ नोटिस की और लोगों ने किया क्या, एक बैट है उसे बोलते हैं ब्लड लविंग वैम्पायर बैट। वो क्या करती है, वो बैट जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बैठती है वो उसका ब्लड सक कर लेती है। लोगों ने जब ये देखा कि ये डॉक्टर हर ट्रीटमेंट के रिजल्ट में पेशेंट से ब्लड लेता है, तो उन्होंने वो जो ब्लड लविंग बैट थी, जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खून पीती थी, बैट बोलते हैं चमगादड़ को, जो ब्लड लविंग बैट थी ना, उसका नेम रख दिया डॉक्टर ब्लेयर। एक्चुअली ब्लेयर किसका नाम था, उस डॉक्टर का नाम था जो कि ट्रीटमेंट के रिजल्ट में पेशेंट से क्या लेता था, ब्लड लेता था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि ये पेशेंट भी, ये डॉक्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो बैट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्लड सक करती है। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन द डेट एंड डे ऑन द पेज नंबर 31 फ्रॉम योर स्टूडेंट बुक एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन योर इंग्लिश नोटबुक। रीड द लेसन विद द टीचर। Write down the answers of question on your English notebook. Now students, let's begin with the reading on page number 31. Students, in part reading there mentions how many verses does in have. Verses are the poetic lines written in the poem. Now students, let's begin with the reading. Dr. Blair. Dr. Blair is the name of a bat down in the forest. They call him that. Students, as I told you, Dr. Blair किसका नाम है, उस blood sucking bat का जो कहाँ रहती है, जंगल में। Now students, cause Dr. Blair has a flair for visiting his patient in the dead of the dark, dead of the night, his little black sack tucked under his back. His scissors, sharp teeth, and his surgical flaps. Students, poet describe कर रहा है कि डॉक्टर ब्लेयर का एक attitude है, एक आदत है कि वो क्या करता है, अपने patients को visit करता है, patients के पास आता है किस time पे, जब बहुत रात हो जाती है। The bat has scissors, sharp teeth. Bat के क्या हैं, शार्प टीथ्स हैं, और उसके सर्जिकल फ्लैप्स जो है ना, सर्जिकल कवरिंग, उसकी सर्जिकल विंग्स जो हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ ऑथर सर्जिकल फ्लैप्स किस चीज़ को कह रहा है, उसके उन टीथ्स को जिससे वो ब्लड सक करता है। नाउ स्टूडेंट्स, इवन इफ वी डोंट हैव टू सी हिम, डॉक्टर ब्लेयर मेक हिज राउंड्स एंड ही कम्स विदाउट एज मच एज अ साउंड to perform a pain-free operation. So students, in this paragraph, in this verse, the author is saying that अगर हम ना भी चाहें कि डॉक्टर ब्लेयर हमें देखे, तो भी डॉक्टर ब्लेयर इतनी खामोशी से, डॉक्टर, who is डॉक्टर ब्लेयर? डॉक्टर ब्लेयर is a bat. डॉक्टर ब्लेयर इतनी खामोशी से आता है और अपना पेन फ्री ऑपरेशन परफॉर्म करके चला जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पेन फ्री ऑपरेशन उसने किस चीज़ को कहा है, पेन फ्री ऑपरेशन वो कह रहा है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब बैट ने बाइट किया और ब्लड सक कर लिया। नाउ विद इन द रीडिंग, इन फैक्ट डॉक्टर ब्लेयर वर्क्स विद सच केयर that you will sleep through. In the morning, all you will see on your leg a little line of a blue. Where the blood seep through. So students,
In this poem, the poet is saying that if you don't want that the Dr. Blair visited you, he always visited you. Students, author ये बता रहा है कि एक bat है जिसका name है Dr. Blair. वो रहता है जंगलों में और वो अपने patients उन लोगों को कह रहा है जो लोग रात को गहरी नींद सोए होते हैं, उन लोगों को विजिट कब करता है, उन लोगों के पास आता कब है, इन द डेड ऑफ नाइट, बहुत रात के अंधेरे में. अब वो डॉक्टर ब्लेयर के बारे में बताता है दैट ही हैज़ शार्प टीथ एंड सर्जिकल फ्लैप्स, मतलब कि उसके टीथ्स बहुत ज़्यादा शार्प हैं. इवन इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू सी हिम, अगर आप चाहते भी नहीं हैं कि डॉक्टर ब्लेयर आपको देखे, फिर भी वो क्या करता है, खामोशी से आता है और आपको पता भी नहीं चलता कि डॉक्टर ब्लेयर ने कब आपका ब्लड सक कर लिया. इन फैक्ट डॉक्टर ब्लेयर वर्क इन सच अ केयर. इन लास्ट पैराग्राफ द ऑथर इज़ यूजिंग अ मेटाफर. ऑथर क्या कर रहा है, एक मेटाफर यूज़ कर रहा है, मतलब कि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, मगर वो कह क्या रहा है ऑथर कि आप इतनी गहरी नींद सोए होते हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलता. आपको पता तब चलता है कि डॉक्टर ब्लेयर, मतलब कि उस बैट ने आपको काटा है, इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं, आप देखते हैं कि आपकी लेग पे एक ब्लू लाइन है जहाँ से ब्लड सीप कर रहा है, मतलब कि खून बह रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड हॉरिफाइंग लेसन इन योर बुक. Now students, on the next page, page number 32, on the top of the page, there is a description, what is a Dr. Blair? Students, look at the page, the Dr. Blair, the man and the bat. Student, उन्होंने ये क्यों लिखा है कि Dr. Blair एक आदमी है और एक चमगादड़ है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि Dr. Blair एक्चुअली एक डॉक्टर था जिसका नाम था ब्लेयर. वो क्या करता था, अपने पेशेंट्स से एज अ ट्रीटमेंट रिजल्ट ब्लड ले चलता था. लोगों ने देखा कि ये बंदा भी बिल्कुल वही काम करता है जैसे कि एक ब्लड सकिंग बैट चुपके से बिना पूछे इंसान का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्लड सक कर लेती है. ये डॉक्टर भी इन द टर्म ऑफ देयर ट्रीटमेंट, इन द पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट, लोगों से पेशेंट से क्या करता है, ब्लड ले लेता है. लॉन्ग अगो देयर वॉज अ डॉक्टर नेम्ड ब्लेयर हु ऑलवेज टुक ब्लड फ्रॉम हिज पेशेंट एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट. पीपल रिपोर्टेड दैट वेदर यू वॉन्ट टू हिम विद अ पेन इन द नेक और स्कॉर फिंगर और अ हेडेक, ही वुड टेक ब्लड फ्रॉम यू. एज अ रिजल्ट ऑफ पीपल नेम द ब्लड लविंग वैम्पायर बैट after the blood loving doctor and called the bat Dr. Blair. Students, in this paragraph the author is saying that author hame ye bata raha hai ki actually un patients ne jo ke uske paas chahe head pain leke jaye ya phir neck mein pain ho ya unki finger mein chot ho, kuch bhi problem lekar us doctor ke paas jaye, doctor kya karta hai, as a part of treatment wo unka blood le leta. Logon ne is cheez ko notice kiya और उस बैट का नेम, मतलब वैम्पायर बैट जो कि ब्लड सकिंग वैम्पायर बैट थी, उसका नेम रख दिया डॉक्टर ब्लेयर. नाउ स्टूडेंट्स, इनफ फॉर द रीडिंग एंड एलेबोरेशन ऑफ दिस लेसन. नाउ मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश होमवर्क, इंग्लिश क्लासवर्क नोटबुक. मेंशन डेट एंड डे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंडेक्स. Then you have to start writing question answers. Question number 1 is, what did a Dr. Blair, the man, always do? Students, tell me, kya karta tha wo doctor jiska naam Blair tha? The answer is, he took blood from his patients. Wo apne sare patients se kya karta tha? Blood le leta tha. Question number 2 is, what does Dr. Blair, the bat, do? Students, first mein unhone pucha ki Dr. Blair जो एक इंसान था वो क्या करता था. अब सेकंड क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट है वो क्या करती थी. इट सक्स द ब्लड फ्रॉम स्लीपिंग पीपल. स्टूडेंट्स, एज यू नो द रिदम इन दिस क्वेश्चन, दीज क्वेश्चंस, फर्स्ट में क्या बता रहा है वो कि वो डॉक्टर भी पेशेंट्स की गैर रजामंदी के तौर पे, मतलब कि पेशेंट्स का अगर दिल कर रहा है या नहीं भी कर रहा, वो एज देयर ट्रीटमेंट पार्ट वो उनका ब्लड ले लेता है.
और बैट क्या करती है, वो स्लीपिंग पीपल्स का चोरी चोरी से खून पी लेती है। नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस पोएम हाउ डज अ पर्सन नो दैट डॉक्टर ब्लेयर द बैट हैज़ विजिटेड हिम और हर इन द नाइट। स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि पीपल या उस बंदे को पता कैसे चलता है कि डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट है उसने उसका खून पी लिया। द आंसर इज द पर्सन हु हैज़ बीन विजिटेड बाय द बैट विल वेक विद अ लिटिल लाइन ऑफ ब्लू वेयर द ब्लड सीप थ्रू। स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी एलेबोरेट दैट टू यू दैट जब वो पर्सन सुबह सो के उठता था तो उसके जिस पार्ट से बैट ने ब्लड सक किया होता था उस पार्ट पे एक ब्लू कलर की लाइन होती थी और वहाँ से क्या हो रहा होता था, ब्लड ड्रिप कर रहा होता था, ब्लड निकल रहा होता था। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ पेन फ्री ऑपरेशन। स्टूडेंट ऑलरेडी टेल यू दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज़ अ पेन फ्री ऑपरेशन। पेन फ्री ऑपरेशन मीन्स कि उस पेशेंट को पता भी नहीं चलता था, पेशेंट नहीं सॉरी उस बंदे को पता भी नहीं चलता था कि कब उसका ब्लड रिमूव हो गया है उसकी बॉडी से, मतलब कि उस बैट ने उसका ब्लड सक कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन वर्स 1 लाइन 1 एंड 3 राइम्स, व्हाट इज द रिदम पैटर्न इन द वर्स 3 एंड 4। स्टूडेंट्स आपको पूछ रहे हैं, लुक एट द पोएम, पोएम के वर्स 1 एंड 3 में एक राइम है। स्टूडेंट्स उसमें क्या चीज़ राइम कर रही है, आप देख सकते हैं द वर्स 1 इज डॉक्टर ब्लेयर इज अ नेम ऑफ बैट डाउन इन द फॉरेस्ट दे कॉल देम दैट। सो स्टूडेंट्स द वर्ड बैट एंड दैट हैव सिमिलर साउंड, सो द वर्स 1 राइम एंड द थर्ड वर्स, इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू सी हिम डॉक्टर ब्लेयर मेक्स हिज राउंड्स and he gives him without as much as a sound. So students, round and sound are rhyming and you have to tell that what is the rhythm in verse 3 and 4. Students, line 2 and 3 rhymes in the verse 3. Students, jo सेकेंड और थर्ड लाइन्स है ना वर्स 3 की, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ड राउंड एंड वर्ड साउंड इज राइमिंग, आर राइमिंग वर्ड्स, सो द लाइन 2 एंड 3 राइम्स इन वर्स 3। वर्स 3 एक्चुअली इज द थर्ड वर्स ऑफ द रीडिंग पोएम ऑन पेज नंबर 31। So students, in question number 6, in the poem Dr. Blair make his round means that, students, it is an option question, so you have to mark it on your book. The right answer is a bad goes from human to human. Students, वो पूछ रहा है कि Dr. Blair make his round जिसका मतलब क्या है कि डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट था वो चक्कर लगाता रहता है, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ब्लेयर जो कि एक बैट है वो ह्यूमन टू ह्यूमन मूव करता है, मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन राउंड्स लगाता रहता है। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ आल्सो एन ऑप्शन क्वेश्चन, व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोड ऑफ दिस पोएम। स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द मूड ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं इस पोएम का मूड कैसा है, इधर ये पोएम ह्यूमरस है, ह्यूमरस का मीन होता है मुजाहिया, या फिर ये पोएम सैड पोएम है, या फिर ये पोएम एक सिनिस्टर पोएम है। व्हाट इज मीन बाय सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन फ्राइटनिंग। स्टूडेंट्स क्या ये पोएम फ्राइटनिंग नहीं है, ये पोएम डराने वाली नहीं है, यकीनन ये है। Students, it's time for diary. Open your diary, write date, subject, and write down your diary. So students, your diary is do unit number 6, question number 8 from student book on your homework notebook. The question is which part of the poem do you like the best? Give the reason. Students, aapne batana hai ki poem ka kaun sa part aapko acha laga.
और क्यों? एंड डू वर्कबुक पेज नंबर 21 एंड 22. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू वर्कबुक पेज नंबर 22 एंड 21. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स एंड ऑफ द लेसन. If you have any query about any word, any term, anything, you let me know and I'll explain it to you in next lesson or through a voice note.